अपने जो गोल्ड रैंक उसको कंप्लीट किया जो कि छुई खजान से बिलोंग करती है। अब देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट है जो डेली यहाँ पे इनकम ले पा रहे हैं, अपने अचीवमेंट ले पा रहे हैं। प्लीज वेलकम मैम, पायल जवांगर मैम। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग मैम, आवाज क्लियर है? जी मैम क्लियर है। गुड मॉर्निंग सर जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल एसएमबी फैमिली। मेरा नाम पायल देवांगन है और मैं राजनांदगांव जिले से, एक छोटे से गांव है बुला टोला, जहाँ से बिलोंग करती हूँ। और फ्रेंड मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ जो बीएससी फाइनल ईयर की एग्जाम दिलाई हूँ इसी वर्ष। और मैं स्टूडेंट के साथ साथ मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया है जिसका मैं घर पे ही काम करती हूँ, और उसके साथ साथ मैं ये ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हूँ जिसमें मुझे अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है और मेरे एक पहचान भी शायद मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और मिलेगी मेरे पहचान। और मेरी जो डाउनलाइन है उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग डेली क्लास अटेंड करिए, और जो ट्रेनिंग में समझाई जाती है उसे हमेशा याद रखें और उसी के साथ वर्क करें, और जितना हो सके उतने अपने जो सीनियर हैं उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखें। बहुत बढ़िया मैम। मैम आपके नेक्स्ट टारगेट जानना चाहूंगा। सर जी मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है कि मैं मेरे जो डाउनलाइन है उनको गोल्ड बनाना है, क्योंकि मेरे डाउनलाइन लोग ऐसे हैं मतलब कि ये हो गए हैं कि मैं तो गोल्ड बन गई हूँ, है ना, मेरे से बस एक दो पेयर बस पीछे थे वो लोग, और आज मैं गोल्ड रैंक पे हूँ और वो लोग अभी भी पीछे, मतलब उनका शायद 3 से 4 ही पेयर हो पाया है, तो वो लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो करोगे तो होगा, है ना, सोचने से कुछ नहीं होता है सर जी, ठीक है, सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको करना होगा। तो उन लोगों से मेरा एक लाइन और बोलना चाहूंगी कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, ठीक है। तो आप लोग इसी लाइन को याद रखकर आगे बढ़ते रहिए। और एक चीज और है सर जी कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना, तो यहाँ एक ऐसा होता है कि रोजगार गारंटी का काम चलता है, उसमें मैं भी जाती थी काम करने, और उस समय पढ़ाई भी कर रही थी मैं, तो उस टाइम अपने पापा को बोली कि पापा अब मैं चलती हूँ, आप लोग करो काम क्योंकि आज मेरा एग्जाम है तो मेरे जल्दी जाना होगा। तो मेरे साइड में एक मामा जी थे, वो बोले क्या करोगी, पढ़ लिख कर क्या करोगी, आखिर तो मिट्टी ही तो फेंकना है। तो वो बात मेरे अभी भी याद है सर जी कि नहीं, मेरे अब मिट्टी नहीं फेंकना है, मेरे कुछ करना है अपने लाइफ में। तो यही चीज मेरे बार बार याद आती है। और मेरे जो ऑफलाइन सीनियर है वो है सुहद्रा मैम, सॉरी सर जी मेरे पहले बताना चाहिए था जो मैं नहीं बता पाई, ठीक है। और सुहद्रा मैम तो मेरे लाई है यहाँ, लेकिन मेरे गाइड कुछ नहीं कर पाई है क्योंकि अमोरी मेरी जो फ्रेंड भी है, बेस्ट फ्रेंड है वो, लेकिन शायद अभी वो वर्क नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्या हुआ है। और मेरे सबसे ज्यादा गाइड वीरेंद्र सर जी हैं जिन्होंने किए हैं, और मेरे को जो भी छोटी सी परेशानी भी होती थी मैं वीरेंद्र सर को एकदम परेशान करती थी कि सर जी मेरे टीम वाले ऐसे कर रहे हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे एक सॉल्यूशन दीजिए। और फिर केशुमती मैम है, अन्नपूर्णा मैम है, और सर जी आप भी हो जो मेरे गाइड किए हो। और बस यही है कि अपने जो सीनियर है उनसे कनेक्टिविटी बढ़ाए रखे, और अगर आप लोग कभी मिस करते भी हो ट्रेनिंग को तो अपने सीनियर से बात करिए कि सर जी आज ट्रेनिंग में क्या बताएं, या फिर जो आपके फ्रेंड होंगे जो एसएमबी सिस्टम में काम करते हैं उनसे पूछिए और नोट डाउन कीजिए। और हाँ एक चीज और कि अपना टारगेट बनाकर आगे बढ़िए, जब तक टारगेट नहीं बनाओगे तब तक जो हम रैंक अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करने में टाइम लग जाता है। तो मेरा भी टारगेट था जैसे सर जी बताए हैं, वीरेंद्र सर जी मेरे बोले कि टारगेट बनाइए मैम और आगे बढ़िए ऐसा करके, तो अभी मनाली ट्रिप का वो था 25 मई तक करके, तो मुझे वो अचीव करना था, तो मैं उसी के साथ साथ मैं अपना टारगेट बनाई और आगे बढ़ती गई और मैं आज गोल्ड रैंक पे हूँ। ओके सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही कम टाइम में है ना अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, और कांग्रेचुलेशन मैम आपके इस न्यू रैंक के लिए, और बेस्ट ऑफ लक इस मंथ में और पूरे 2022 या फिर आने वाले जितने भी सालों हैं, बहुत बड़ा कर जाए, और जो आपने जो कमिटमेंट किए थे घर वालों को उसको करके दिखाएं। थैंक यू सो मच मैम, अपने आप को म्यूट करिएगा। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा क्लास।